इक्यावन घंटे के कर्फ्यू के ऐलान के बाद अहमदाबाद के कालूपुर मार्केट में भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग पैनिक बाइंग करने लगे। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से अहमदाबाद में आज रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल और दूध की दुकानें ही खुली रहेंगी। गुजरात के IAS ऑफिसर डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने ट्वीट करके बताया था कि देर रात कोरोना स्थिति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण कर्फ्यू आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक अहमदाबाद शहर में लगाया जाएगा। इस अवधि के दौरान केवल दूध और दवाइयां बेचने वाली दुकानों को खुला रहने दिया जाएगा। इसके साथ ही अहमदाबाद के स्कूलों को 23 तारीख से शुरू करने का फैसला वापस ले लिया गया। अहमदाबाद में कर्फ्यू लगने और कोरोना केस के बढ़ोतरी होने के बाद अब गुजरात सरकार ने पूरे गुजरात में स्कूल शुरू करने का फैसला टाल दिया। शिक्षा विभाग ने अपने फैसले को वापस ले लिया। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके अलावा विजय रूपानी सरकार ने अहमदाबाद के लिए 300 डॉक्टर, 300 मेडिकल छात्र और 20 अतिरिक्त एम्बुलेंस तैनात कर दिए। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। 57 घंटे के कर्फ्यू के ऐलान के बाद अहमदाबाद के कालूपुर मार्केट में भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग पैनिक बाइंग करने लगे। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से अहमदाबाद में आज रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। अहमदाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा और उसके बाद रात को 9 बजे से एक बार फिर रात्रि कर्फ्यू इम्पोज हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मणिनगर इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सब्जी की दुकान है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज रात से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगने वाला है। वैसे में लोगों को सिर्फ दूध और दवाई जैसी आवश्यक जो चीज़ें हैं वही मिलेगी। लोगों से भी बात करते हैं, ये बताइए कि आप लोग सब्जी लेने आए हैं, आज रात से कर्फ्यू इम्पोज हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कर्फ्यू इम्पोज हो रहा है और यही वजह है कि लोग 2 दिन के लिए अपनी जो सब्जी है वो सारी चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि दूध और मेडिसिन यही चीज़ें मिलने वाली है। जिस तरीके से कोरोना के मामले गुजरात में बढ़े और ख़ास करके दिवाली के बाद जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, उसके बाद प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है और आज रात 9 बजे से अहमदाबाद में कर्फ्यू इम्पोज हो जाएगा, जो कि अगले 60 घंटे तक रहेगा।